Hey guys, welcome back to my channel. आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट, साथ में गार्लिक ब्रेड है. और ये जो ऑमलेट है इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप इसको इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं, और रात को भी डिनर अगर नहीं खाना है आपको, राइस वगैरह नहीं खाना है, तो आई एम वेरी श्योर आप ये ऑमलेट खा सकेंगे. इसमें चीज़ है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही यम्मी है. तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं. और साथ में हाँ, मैं गार्लिक ब्रेड भी बनाऊंगी जो कि मैंने आपको बताया. और साथ में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है मैं ब्रोकली सूप बताऊंगी, जो कि आपका एक पूरा कंप्लीट मील हो जाएगा, यू नो, जिसमें चीज़ ऑमलेट है, साथ में गार्लिक ब्रेड है और साथ में आपका सूप भी है ब्रोकली. वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट के लिए मैंने 3 एग्स लिए हैं. आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, पर मैंने 3 ही लिए हैं. उनको मैंने तोड़ लिया है और उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं. आप वेजिटेबल्स अपने चॉइस की कोई भी डाल सकते हैं. मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, ब्रोकली, प्याज और कैप्सिकम डाली है. आप चाहें तो इसमें स्पिनच भी डाल सकते हैं, बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं, रेड और येलो कलर के कोई भी वेजिटेबल अपने चॉइस की डाल सकते हैं. मैंने इसमें ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं. ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला है. मैंने इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाले हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरह से विस्क कर लिया है. सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिला लीजिए. अब मैंने तवे पे 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है और इसके बाद मैंने जो एग मिक्सचर था उसको मैंने तवे पे डाल दिया है. उसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है. और साइड पे थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया था. इसको तब तक आप ब्राउन कीजिए जब तक एक लाइट ब्राउन नीचे ना हो जाए, उससे आपका ऑमलेट टूटेगा नहीं. जब ये आधा पक्का हो जाता है तो आप इसके हाफ साइड पे चीज़ डाल दीजिए, ग्रेटेड चीज़. चीज़ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. और अपने एग को, अपने ऑमलेट को फोल्ड कर दीजिए और फिर से उसको लाइट ब्राउन होने तक वेट कीजिए और दोनों तरफ से उसको अच्छी तरह रोस्ट कर लीजिए. अब गार्लिक ब्रेड की रेसिपी के लिए मैंने छोटे हुए ब्रेड लिया है और एक सॉफ्ट बटर लेकर उसके अंदर मैंने गार्लिक को क्रश करके डाल लिया है. मैंने बटर को अपनी ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया है. बटर को थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो उससे टेस्ट इसका बढ़ेगा. मैंने अपनी गार्लिक ब्रेड को ओवन में बनाई है. आप चाहें तो इसको तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं. मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं इस पे और मिक्स हर्ब्स डाले हैं. इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा. अब मैंने इसको अपने जो ब्रेड हैं इनको बेकिंग ट्रे पे लगा दिया है और अपने प्री हीटेड ओवन पे, जो कि मैंने ऑलरेडी 120 डिग्री सेल्सियस पे गरम कर लिया है, मैंने तब तक ब्रेड्स को ब्राउन करा है जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो गई हैं और उनका अच्छा कलर नहीं आ गया, मैंने तब तक इनको ओवन में रखा है. अब
आप इसको जितना देर रखेंगे उतना ही ये क्रिस्प और टेस्टी बन जाएंगी। देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है मेरी गार्लिक ब्रेड का और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने साथ में अपना एक कोल्ड ब्रू कॉफ़ी भी बनाई है अपने टेस्ट के हिसाब से। इससे मेरा पूरा मील बन गया था, मेरा वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट, गार्लिक ब्रेड और कॉफ़ी तैयार है। थैंक यू, एंजॉय। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच।